नमस्कार, क्या बोलिए? सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होंगे। पहला अभ्यास दोनों हाथ सामने, प्रणाम की मुद्रा, अंगूठे से अंगूठा, उंगलियों से उंगलियां मिली, दोनों हाथ छाती के सामने, पैर पास में। यह है प्रणाम आसन। क्या नाम है बोलिए? अब हाथ ऊपर उठेंगे, इसका नाम है ऊर्ध्व हस्तासन। क्या नाम है बोलिए? हाथ ऐसे उठेंगे, देखो ऐसे ऐसे हाथ गए, और हाथ ऐसे धीरे धीरे अपने ऐसे खुलेंगे, तो उंगलियां खुल जाएंगी, अंगूठा अंगूठे से लगा रहेगा, हाथ पीछे पूरे सीधे और पीछे झुके, और अब आगे झुक जाइए। ऊर्ध्व हस्तासन के बाद अब यह है पाद हस्तासन। क्या है बोलिए? दोनों हाथ की पंजे हथेलियां पैर की पंजों के पास जमीन पर, माथा घुटनों से लगा हुआ, कोशिश कीजिए। ये पाद हस्तासन। अब दोनों पैर पास में है, अब एक पैर को पीछे ले जाना, दाहिना पैर यही रहेगा, बायां पैर पीछे ले जाए, दाहिना पैर सामने, बायां पैर पीछे, और दाहिने पैर पर ऐसे धीरे धीरे बैठिए। ये हो गया दक्षिण। दक्षिण माने दाहिना, अश्व माने घोड़ा, संचालन माने चलाना, दक्षिण अश्व संचालन आसन। क्या है बोलो? दक्षिण अश्व संचालन आसन। दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए, क्या बात है, 99% बहुत सुंदर कर रहे हैं। अरे बीएसएफ के जवान तो तन गए पूरे। श्वास अंदर, ऐसे ऊपर देखो, ये अब ये दाहिना पैर भी पीछे, पीछे पैर के एरिया पास में, पंजे जमीन पर, घुटने सीधे, सिर झुका के नाभि को देखो, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। ये हो गया पर्वतासन। अब प्रयत्न करें दोनों घुटने जमीन पर, थोड़ा सा अधर, पूरे नहीं टिकाते, थोड़े से ऐसे अधर रखते हैं, छाती छोड़ी जमीन पर, पेट अधर रहेगा पूरा। ये श्वास अंदर, फिर उठ जाइए सामने से। ये साष्टांग आसन था, अब हो गया भुजंग आसन। क्या है बोले उसका नाम? कितना जोरदार काम है ना, पूरा शरीर ऊपर की ओर तना हुआ, सामने से कमर नीचे की ओर झुकी हुई, श्वास अंदर, और अब बीच से उठा देंगे पुनः पर्वतासन। अब बायां पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन। क्या है बोलो? वाम अश्व संचालन आसन। बायां पैर ऐसे, और बायां पैर पर ऐसे बैठ गए, दाहिना पैर पीछे पूरा सीधा, अब दाहिना पैर भी आगे, पाद हस्तासन, श्वास बाहर, माथा घुटनों से लगाइए, फिर हाथ ऊपर, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है बॉडी की, श्वास अंदर, फिर दोनों हाथ ऐसे ऐसे सामने से ऐसे लाना, कोहनियां मिल जाएंगी, और अंगूठे से वापस, श्वास अंदर भर के, जब पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, श्वास अंदर, हाथ पीछे, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, अब श्वास बाहर, धीरे धीरे माथा घुटनों से लगा हुआ,
पीछे झुकते समय श्वास अंदर होता है, आगे झुकते समय श्वास बाहर। अब दाहिने पैर पर बैठिए, बाएं पीछे। दाहिने पैर पर पूरे बैठ गए, श्वास अंदर, पूरे शरीर का संतुलन बना हुआ है। जिनसे नहीं हो पाता सूर्य नमस्कार, वो बैठ के भस्त्रिका और कपालभाति अनुलोम विलोम कोई भी प्राणायाम कर लेंगे या बटरफ्लाई कर लेंगे। निष्क्रिय होके नहीं बैठना, अकर्मण्यता योग नहीं है, अकर्मात्स्य हो। अकर्मण्यता तो असुरत्व है। दाहिना पैर पीछे ले जाइए, पीछे पैर पास में, अंगूठे एरिया पास में, पंजे जमीन पर टिके, सिर झुकाए, पेट को देखें। अब साष्टांग आसन, घुटने छाती छोड़ी जमीन पर, दो पैर दो घुटने दो हाथ छाती छोड़ी, आठ अंग जमीन पर टिक जाए, पेट अधर रहता, बस जमीन को स्पर्श मात्र करना है, नीचे आराम नहीं करना है। फिर उठ गए सामने से, श्वास अंदर, पूरा शरीर सदा हुआ, खिंचा हुआ, पूरी स्ट्रेचिंग, कंप्लीट साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर श्वास अंदर, आप श्वास बाहर छोड़ दीजिए, अब श्वास अंदर, बाएं पैर आगे, अब दाहिना पैर भी आगे, श्वास बाहर, फिर हाथ ऊपर, बैलेंस बनाना ठीक से, फिर दोनों हाथ सामने से ऐसे कोनियों को मिलाते हुए और ऐसे लेकर, दोनों हाथ बगल से नीचे। ये सूर्य नमस्कार के दो अभ्यास किए, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जिसको पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, ये युवाओं का सूर्य नमस्कार का योग का ये विश्व कीर्तिमान 12 तारीख को यहाँ भिलाई से बनने वाला। तो दो अभ्यास अभी पूरे हुए, एक योगिक जोगिंग, दूसरा सूर्य नमस्कार। अब तीसरा अभ्यास थोड़ा कठिन है, जवान तो सब कर लेंगे, बड़े बुजुर्ग सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा पसीना आया, ये एक अभ्यास है, फिर अभी दो दो बार कराता हूं। दूसरा अभ्यास, एक थोड़ा सामने दो, फिर से एक दो, ऐसे 10-20 बार कर लेना। अब तीसरा अभ्यास, दोनों सामने, श्वास अंदर। ये साधारण बैठक की अब राम मूर्ति बैठक, ये दंड बैठक कसरत, सुनते रहते थे आप लोग, भूल गए थे, याद दिला रहा हूं। कौन सामने, कौन है सीधी, श्वास अंदर, एक श्वास में एक अभ्यास, श्वास अंदर, पूरी पौड़ी को से तान ले, खिंचा हुआ पूरा शरीर, सदा हुआ पूरा शरीर, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर आना। राम मूर्ति बैठक हो गया, पहलवानी बैठक, एक छलांग लगाएंगे, आगे जाएंगे, एक दोनों सामने, छाती के सामने से, दो वापस, एक दो, एक दो, अब इतना ही बहुत है, नहीं तो कल को दुखेंगे। चार अभ्यास हो गए, पांचवा, तीन बार नीचे बैठ के बैठक लगाएंगे, एक दो तीन चार, चलिए, एक दो तीन चार, एक बस, कुछ तो ऊपर ऊपर ही कर रहे हैं, चलो नेक्स्ट, दोनों सामने, श्वास अंदर भर के दाहिनी तरफ बैठेंगे, इसका नाम है हनुमान बैठक, हनुमान जी की तरफ हनुमान बन जाएंगे।
बैठ जाओ, पढ़ने दो, ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। ये सिद्धांत है, पानी में पानी डालो तो क्या बढ़ता है? पानी। पैर, इससे पैर बढ़ता है, पानी से पानी, पैसे से पैसा, और ताकत से ताकत बढ़ेगी। ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ। ये सिद्धांत है। लास्ट बैठक, आठ बैठक है, ऐसे दरहात ऊपर, ऐसे जवानों मजबूती से ऐसे बैठो, ये ऐसे, और जो पूरे जवान है पूरे बैठ जाओ, सीधे सीधे ऐसे बैठना, कुछ तो इसमें भी एक्टिंग करते हैं, ऐसे बैठते हैं, कुछ कुल्ले कुल्ले हिलाते रहते हैं। ये तो हल्के वाला करवाया, ये तो करवाया नहीं अभी, ऐसे संतुलन बना दो। बोले बाबा जी बड़ा मुश्किल है, बैठ जाओ, और भी बनाएंगे अभी, ऐसे बैठो, जो बैठे हुए हैं वे बैठे ना रहे, जो बैठे हुए हैं वो बटरफ्लाई करें, और कपाल भाती करें, भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम, ये तीन अभ्यास तो बैठे बैठे करने हैं ना, ये भस्त्रिका, लंबे सांस लेना छोड़ना, और जो भस्त्रिका तेजी से ना कर सके, देखो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है तो तेजी से नहीं करना, नहीं तो तेजी से कर सकते हैं इसे, तेजी से कर देना आप, और थोड़ी देर में दो मिनट में पसीना चूने लगता है, दिसंबर के महीने में, और दूसरा कपाल भाती, एक सेकंड में एक श्वास ऐसे छोड़ना, और ये अनुलोम विलोम वायु मुद्रा में हाथ फंसे, पहले उंगली अंगुष्ठ के मूल में लगा दे, एक हाथ घुटने पर एक हाथ ऊपर उठा हुआ, बाएं से या दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, पूरा लेना, लगभग पांच सेकंड श्वास को लेने में लगे, लगभग पांच सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, ना लगा सके वो भस्त्रिका कपाल भाती या अनुलोम विलोम कर लेना, भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम तो सब करेंगे, सबको करना है, और जो जवान है वो मेरे साथ अब दंड बैठक में, अब बैठक तो होगी थी, दंड बाकी है, ऐसे बैठ जाओ जवानों, ऐसे बैठिए, जो ये दंड ना लगा सके वो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लेना, इसलिए प्राणायाम भी बता दिया था साथ साथ। अब इसमें बारह अभ्यास है, ये पहला अभ्यास, नीचे गए ऊपर उठे, वापस, एक दो तीन,
ये साधारण दंड क्या हुआ है बोलिए? जवानों के लिए आपको जिम जाने की जरूरत, दंड बैठक लगाओ और जिम वालों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ये पहला, दूसरा प्यास, दो श्वास अंदर रखना, अब वापस आएंगे नीचे, तीन और नीचे नीचे वापस, चार वापस आने में बहुत जोर पड़ता है। कोहनिया ऐसे पार्श्वभागों से सटी हुई, ऐसे ऐसे गए और ऐसे वापस आए, जोर बरदार। राममूर्ति दंड है इसका नाम, क्या बोला? राममूर्ति दंड। आप तीसरी दंड, सब जवानों को शौक होता है मेरी भुजाएं उभरी भी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, टोले सोले बनाने का भी शौक होता है ना, सीना चौड़ा होना चाहिए। तो उठे उंगली अंदर की ओर, और आप अपने आप को बुढ़ा क्यों मानते हो? 50-60 साल तक का आदमी जवान ही रहता है, उसके बाद बुढ़ा होता है। तो अपने आप को कभी बुढ़ा मत मानना, वैसे कोई दूसरे को बुढ़ा कहते ना बड़ा उसको गुस्सा आता है। चलो पैर पीछे, एक दो पूरे सीधे सीधे सीधे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, वैसे ये वैसे, ज्यादा मत करना, देखा देखिए कल को भी करना है। ये पक्ष विकास टिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार कर लेना। फिर अगला अभ्यास, हनुमान बड़े बजरंग वाली की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आगे झुक जाओ सर, नीचे झुक जाओ, फिर ऊपर उठ गए। खाली बजरंग बली की जय बोलने से बात नहीं बनेगी, बजरंग बली ऐसे किया करते थे तभी तो बलवान थे। हनुमान जी का शरीर देखो कितना जोरदार है ना, उनका तो देख करके ऐसा लगता है भाई फिटनेस होता हनुमान जी जैसी। बच्चों को हनुमान जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बलवान है, प्रज्ञावान, बड़े महाविद्वान थे, अरे धरती नहीं हो तो आसमान पर भी उड़ना जानते हैं। फिर ये हनुमान बैठक के दंड के बाद अब वृश्चिक दंड है, ये अगला अभ्यास, पैर पीछे पास में, एक फिर वापस, एक में नीचे दो में ऊपर, एक दो एक दो, समझ में आई भाई? तो पीछे से पैर उठाए भाई, पीछे से ना पैर उठा, ये पैर सीधा रहना चाहिए, और पैर ऐसे गया और ऐसे झुके, झुकना फिर उठना, फिर ये तरीका वैश्विक दंड के। ये दो अभ्यास हैं, पैर उठा अपोजिट साइड में गया, नीचे झुके फिर यू उठे, ये आज तो बेसिक प्रैक्टिस बता रहे हैं आप। अब पार्श्व दंड क्या है बोलिए, जोर से बोलिए, पार्श्व दंड, पार्श्व दंड, पैर सेना ऐसे उठाएंगे और बाएं तरफ यू लिया है, सामने यू पैर उठाए नीचे नीचे से, दाएं पैर बाएं तरफ और सामने झुक गए और फिर यू उठ गए, फिर दूसरी तरफ, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, जिनसे दंड नहीं लग पा रही हो बैठे हुए भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना बहनों,
आराम नहीं करना, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। पार्श्वदंड के बाद अब चक्रदंड। क्या है बोलो? यस, ये पैर एक साइड में खुला हुआ, ये दोनों हाथों के बीच में ऐसे घुमा और ऐसे हो गए। थोड़ा मेहनत की जरूरत है। अब पलट दल, नीचे दो, ऊपर तीन, वापस और चार मार दी, फिर वापस ऐसे ऐसे करना और यूं मार, वापस कुछ की गाड़ी बीच में रुक जाएगी। अब और थोड़ा कठिन दौर शुरू हो गया। शेर तक हाथों पर शरीर के भार को संतुलित करेंगे, सामने से सिर निकालेंगे, पीछे से पैर उछालेंगे, ऐसे ऐसे। बोले बाबा जी, इसके लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, जवानी निकल गई। चलो अगला अभ्यास, ये सब कर लेंगे। एक दो तीन चार, एक दो तीन, इसको चर्पदंड कहते हैं। शेर दंड के बाद कुछ सुख लगे वे जवान। लास्ट एक दो, एक दो एक, ऐसे कर लेना, सांस भरना, ये ऐसे घुटने कोहनियों के बाहर ऐसे। एक श्वास में एक अभ्यास, तीन चरण पूरे हो गए। पैर सामने खोल लीजिए, सब पैर सामने खोल लो। अब सूक्ष्म व्यायाम कर पाएंगे, ये सबके लिए अच्छा है। पैर सामने खुले हुए, अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाइए, कितना अच्छा है ना। लंबे लंबे श्वास भरना छोड़ना, और पूरे पंजे आगे पीछे। श्वास ये सबको करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम तो सबके लिए जरूरी है। जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए तो विशेष, वो अधिक बार कर लेना अभ्यासों को, 25-25, 50-50 बार कर लेना, तो एक एक जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जॉइंट्स के अंदर जो यूरिक एसिड रुक जाता है, ESR, RA फैक्टर, ESO जो बढ़ जाता है ना, वो फिर जॉइंट्स के अंदर रुकता है और फिर वहां सूजन आ जाती है, फिर वहां गांठ पड़ जाती है, इसी को गठिया बोलते हैं, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट बोलते हैं। जो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेंगे उनके सब रोग दूर हो जाएंगे। फिर अब दोनों हाथों को मिला लीजिए, कोहनियां सीधी, आगे से हाथ पंजों के ऊपर से, पीछे से जंघाओं के ऊपर से, कोहनियां सीधी रखना, आगे पीछे पूरा जाना, पूरा घुमाना, कोहनियां सीधी, घुटने भी सीधे। ये देखने में हल्का है, लाभ इसका बहुत है। लंबे लंबे श्वास लें, कोहनियां सीधी रखें। ए मैया, ऐसे मत मोड़ो, ये नहीं करना, ये चीटिंग है।
ऐसे नहीं। कौन है सीधी? आगे पीछे यूं जाना पूरा। देखने में सूक्ष्म है ना पूरा, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। सब करें, कोई रुकेंगे नहीं, पूरा कीजिए। दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर, बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन आ चुके हैं। कुछ वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वर्षा ने कहा आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत कर चुकी हूं। तो धीरे धीरे निकल करके हजारों भाई बहन इस जयंती स्टेडियम में अपनी दिव्य उपस्थिति, योगमय उपस्थिति, अपनी श्रद्धामयी उपस्थिति दे चुके। ऐसे आगे पीछे पूरा जाना, गोल गोल घुमाना। बोले बाबा जी इतने पीछे झुकेंगे तो गाड़ी पलटी खा जाती। ऐसे नहीं, तो चलो आगे। लंबे लंबे सांस लिया करो, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा ध्यान रख करके, है ना। दोनों हाथ साइड में, पार्श्व भागों में हाथ, ऐसे हथेलिए नीचे की ओर, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे। एक दो, बीच में रुके, तीन। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, एक दो। ऊपर वाला हाथ ऐसे देखो, हथेली ऐसे ऐसे सामने की ओर, और उस हाथ की हथेली को ऐसे देखना है। एक दो, एक दो, लंबे लंबे श्वास। पहला चक्की आसन था ये, फिर कोण आसन। लंबे लंबे श्वास, इससे पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। चक्की आसन 25-50 बार, और ये आसन कर लेना, यूटेरस ओवरेमिसिस्ट, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट की सब बीमारियां इसी से दूर हो जाती है और पेट एकदम हल्का हो जाता है। किसी किसी का पेट बहुत भारी भरकम है ना। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आगे झुक जाओ, चक्की आसन, सिद्धकोण आसन, ये पाद हस्तासन। मोटापा के लिए कल अभ्यास करेंगे पूरे, उसमें तीन अभ्यास बैठ के होते हैं। आगे झुक जाओ, माथा घुटनों से लगाओ, कोहनी जमीन पर टिकाओ, कोनिया जमीन पर टिकाएंगे, माथा घुटनों से लगाएंगे, आगे झुक जाएंगे। फिर हाथ ऊपर, फिर से एक बार आगे, फिर हाथ ऊपर, और हाथ पार्श्व भागों से नीचे आ गए। दाहिना पैर को बाएं पैर पर रखिए और ऐसे हिला लीजिए। ऊपर उठाते हैं तो घुटने को छाती से लगाते, नीचे दबाते हैं तो घुटने को जमीन से टिका देते। एक हाथ पंजे के ऊपर, एक हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं, पैर ऊपर ऐसे उठता है, नीचे दबाते हैं तो ऐसे दब जाता है। कितना अच्छा है ना, ऐसे। फिर दूसरी ओर से हवा भी हिलोरे ले रही है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। क्या तकलीफ है भाई, अभी तो गर्मी आ गई है, थोड़ी बहुत ठंड भी लग जाएगी तो लगने दो। ये आदमी तुरंत जो है अपनी झोपड़ी में घुसना चाहता है। ये बेचारे पंछी, ये मोर, ये पपीहा, ये चिड़िया, ये सारे धरती के जीव, ये सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान
कितना सहन करते हैं, थोड़ा तुम भी सहन कर लो, बटरफ्लाई कर लो। बोले बाबा जी पूरी तपस्या करवाओगे, होने दो तपस्या थोड़ी। ज्यादा ही किसी को बूंदा बांदी लग रही है तो अपना नीचे वाला बिस्तर अपने सिर पे ओढ़ लो, इसमें क्या है, खून से कोई फैशन शो में थोड़ी आए हुए। तो किसी को ठंड लग रही है तो अपने कपड़े कुपड़े पहन लेना, गर्मी लग रही थी अभी तक। और मैं अभिनंदन करता हूं दुर्ग भिलाई के भाई बहनों का, जो प्रतिकूल मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका अभिनंदन। पूरे देश में थोड़ी बरसात हो रही है, इस समय की बरसात फसल के लिए बहुत अच्छी है। इस बार ठंड नहीं पड़ी थी और छत्तीसगढ़ में तो ऐसे ही ठंड कम पड़ती है, पूरे हिमालय में बर्फबारी हुई है, मैं वहीं से आ रहा हूं हिमालय से ही। थोड़ी ठंड भी पड़ रही है, ठंड अच्छी है आरोग्य के लिए। दोनों हाथ सामने, जहां ठंड पड़ती है वहां लोगों की जिंदगी ज्यादा लंबी होती है। जहां जहां पूरी दुनिया में ठंड पड़ती है, इधर भारत में हिमालय आदमी जहां ठंड पड़ती है वहां लोग 100, 150, 200 साल तक जीते, लंबे लंबे श्वास। थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है तो होने दीजिए, बस जिनको ठंड लगती है, थोड़ा कफ की प्रकृति है, थोड़े कमजोर हैं, वे मैंने कहा अपना नीचे वाला बिस्तर सिर पे रख लेना, टोपा ओढ़ लेना, अपने थोड़े कपड़े ओढ़ लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा है। ऐसे कुछ तो छोटे छोटे योगी भी आए हुए, दो दो तीन तीन पांच पांच दस दस साल के भी। एक तो बहुत छोटे योगी है। अच्छा जी, ये बाबा जी के पास आना चाहती है, गुड़िया है लगता है, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। बच्चों को योगाभ्यास करना बहुत अच्छा लगता है, फिजिकल एक्टिविटी उनको पसंद है। वैसे तो ये सबके लिए जरूरी है, श्वास अंदर भर के सिर के पीछे से ऐसे खींचना, ये सूक्ष्म है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लिया, सिर के पीछे ऐसे बांध, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, एक कंपन पैदा होता है गर्दन में। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दिया, ऐसे अब कंधों को गोल गोल घुमा लेना। अभी लंबे लंबे श्वास भरते हुए ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, अब गर्दन को आगे पीछे दबाना, ये गर्दन के लिए दाएं ओर घुमाना, बाएं ओर घुमाना, ये सूक्ष्म व्यायाम है गर्दन के लिए। बहुतों की गर्दन ही अकड़ जाती है, सर्वाइकल स्पिनाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, ये बहुत होते हैं। उसके लिए पूरे अभ्यास भी आपको कराएंगे। फिर ऐसे गर्दन को दाएं बाएं पूरा घुमा देते हैं, ये सूक्ष्म में है। और फिर ऐसे दोनों हाथ घुटनों पर और कंधों को ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं, तो ये सूक्ष्म में बात है।